मशहूर ब्रिटिश साहित्यकार जॉन लिली ने साल 1589 में एक उपन्यास लिखा था यूफ्यूज। इसमें उन्होंने वो चर्चित लाइन लिखी थी जो आज तक दोहराई जाती है। वो लाइन थी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये लाइन आज कही जाती तो निश्चित रूप से इसमें पॉलिटिक्स शब्द और जोड़ दिया जाता। कम से कम आज के दौर में हिंदुस्तानी सियासत के तेवर देखकर तो ऐसा जरूर कहा जा सकता है। दरअसल बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो नया गठबंधन इंडिया बना है, उसके घटक दलों के आपसी विरोध की अपनी दिलचस्प कहानी है। लेकिन आज सभी एक साथ हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि साथ आए बिना एनडीए को सत्ता से बाहर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव प्लान, मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। डरो मत, हम हैं। जैसे एक वो पिक्चर आया था भाई हूं ना, वैसे हम हैं ना। देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? मौसम चुनावी है और चुनावी मौसम में दोस्ती की नई नई कहानियां लिखी जा रही हैं। यारी दोस्ती की सबसे नई सियासी कहानी का नाम है इंडिया। The new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. इस फिल्म की कहानी के कई हीरो हैं और कई साइड हीरो। मल्टी स्टारर फिल्म है। मजे की बात यह है कि देश बचाने का दावा करने वाले इन सभी हीरो की लड़ाई सिर्फ एक शख्स से। लड़ाई नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। कहता मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा। हम ना नरेंद्र मोदी के, हम ना भारत वर्ष के आज के खड़ा होई, खड़ा होई, खड़ा होई राजनीतिक भावे। ईवीएम रूपी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप अभी कहना मुश्किल, पर इस कहानी के अलग अलग पात्रों के पुराने किस्से दिलचस्प हैं। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। केजरीवाल जी के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में कभी राहुल गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और मुलायम जैसे नेता हुआ करते थे। तब वो सब विलन थे और केजरीवाल हीरो। तब फिल्म कोई और थी, अब फिल्म कोई और है। दूसरी मीटिंग थी पटना में, 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी। ये तस्वीर 1975 की है, तब ममता कांग्रेसी हुआ करती थी। जेपी के विरोध में उनकी कार पर चढ़ गई और झटके में सुर्खियां हासिल कर ली थी। बाद में कांग्रेस से अलग होकर बंगाल में नंदीग्राम से सिंगूर तक लेफ्ट के खिलाफ अपनी राजनीति को पैना कर सीएम बनी। आज कांग्रेस और लेफ्ट के नेता बगल में बैठे हैं और जुबां पर जेपी का नाम है। जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके ओ काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा,
नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। लालू और नीतीश ने एक दूसरे को कितना कोसा है, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चलेगा। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी तो अस्तित्व में ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर आई थी। लेकिन इस गोलमाल को ही सियासत कहते हैं। सियासत में गलत सही का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है तो सिर्फ सत्ता का। और सत्ता की ट्रॉफी बिना विरोधी को हटाए हासिल नहीं की जा सकती। इस बार विरोध में नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और विपक्ष के तमाम दल समझ चुके हैं कि बिना साथ आए मोदी को हटाना नामुमकिन है। देश की दो तिहाई जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता के खिलाफ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। सेंट्रल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। डरो मत, हम है जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। वैसे विपक्षी एकता की स्क्रिप्ट कई दिनों से लिखी जा रही थी। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के फौरन बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और इस्तीफा देकर सीधे लालू यादव के घर पहुंचे थे। वहां आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई माले के कई विधायकों की मौजूदगी में नीतीश ने विपक्षी एकता की कहानी गढ़ी। इस बीच नीतीश को ओम प्रकाश चौटाला, सीताराम येचुरी और के चंद्रशेखर राव का फोन आया। 31 अगस्त 2022 को राव पटना आकर नीतीश कुमार से मिले। राव ने पहले से ही विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ रखी थी और नीतीश भी कई नेताओं से मिल चुके थे। राव से मुलाकात के बाद नीतीश 5 सितंबर को दिल्ली दौरे पर निकले। उन्होंने दिल्ली में सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, एचडी कुमारस्वामी और शरद पवार से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने नीतीश की योजना को भाव नहीं दिया। इसकी 3 वजह थी। कांग्रेस ने नया अध्यक्ष चुना था, नीतीश 2015 में भी इस तरह का प्रयोग कर चुके थे और कांग्रेस खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। आखिरकार कांग्रेस ने जमीनी हकीकत को समझा और खड़गे ने नीतीश कुमार को मिलने का न्योता दिया, लेकिन कहा यह भी गया कि कांग्रेस ने तेलंगाना, हरियाणा और कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, जिसके बाद नीतीश कुमार ने के चंद्रशेखर राव, एचडी कुमारस्वामी और ओम प्रकाश चौटाला से दूरी बना ली। बात बनती दिखी तो गठबंधन वाले राज्यों में समान विचारधारा वाले दलों से संपर्क साधा गया। उन दलों से बात शुरू हुई जो पहले कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार में रह चुके थे। इसमें सीपीएम, एसपी, तृणमूल और पीडीपी जैसी पार्टियां शामिल थीं। दरअसल बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे सभी दलों को ये लगने लगा कि अगर वो साथ नहीं आए तो 2024 में बीजेपी का जीतना तय है। और इस हालात में ऐसे गठबंधन की नींव रखी गई जिसमें आपसी विरोध को दरकिनार कर बीजेपी विरोधी लक्ष्य रखा गया। कुल 26 दल इंडिया का हिस्सा बन गए। ये सारे के सारे लोग जो कि आके बेंगलोर में इकट्ठा हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो राजनीति में चुके चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे डुबाए हैं और राजनीतिक क्षितिज के ऊपर भागे भगाए भी हैं। 38 दलों को उन्होंने बुला लिया, जिसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की घबराहट का ये नतीजा है। सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में जाना बाकी रह गया है, वरना तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते थे उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। तो बीजेपी के अंदर अब कुछ नैतिकता बची नहीं।